हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज फिर से पॉलिटेक्निक के लिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो आप लोगों के पेपर में आने की संभावना है। ठीक है, तो बच्चों आप लोग इन क्वेश्चंस को ज़रूर कर रहे होंगे जो मैंने अब तक आपके लिए बनाए हैं, तो प्लीज़ आप इनको प्रैक्टिस करते रहे। मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आप लोगों के 101% आप लोगों के पेपर में आएंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग दो तीन न्यूमेरिकल और देखेंगे जो इस अलग प्रकार के हैं। तो सबसे पहले जो न्यूमेरिकल है जो आया हुआ भी है आपके पास पेपर में, जो लिमिट के ऊपर है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो इस तरीके का है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए का मान ज्ञात करो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास है जहाँ पर आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको देखना है कि आप किसी चीज़ को फॉर्मूला बना सकते हैं क्या, या कोई फॉर्मूला बन रहा है तो मुझे दिखाई दे रहा है, और आप लोगों को भी अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस हो गई हो तो आप लोग भी देख सकते हैं कि आपके पास एक फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है ना, तो ये माइनस आ रहा है तो यानी ये माइनस का फॉर्मूला बन जाएगा। तो जहाँ पर मैं इसे लिख सकता हूँ, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए ऐसा का ऐसा। ठीक है बच्चों, तो जहाँ पर ये वाली बात एक को काट देगी, क्योंकि ये दो बार लिखा हुआ, ये एक बार लिखा हुआ तो इससे कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए और ऊपर बच गया एक्स माइनस ए। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर पुट लिमिट करेंगे, जो लिमिट का मान रखा हुआ है यानी एक्स का मान कितना है ए है, वो यहाँ पर रख देंगे आप, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस ए बराबर जीरो, यानी एक्स की जगह पर हमने क्या रख दिया, यहाँ पर ए रख दिया, तो ए में से ए कट गया तो कितना बच गया, जीरो बच गया। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब दूसरा न्यूमेरिकल भी हम लोग इसी पर आधारित है वो हम लोग ले रहे हैं। क्या न्यूमेरिकल है, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू और एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स का मान आपको निकालना है। तो बच्चों यहाँ पर देखो, अगर हम लोग मान रखते हैं दो, तो सारा आंसर कितना मिलेगा, या तो इन्फिनाइट मिलेगा या पूरा जीरो मिलेगा। ठीक है, तो परंतु हमें ऐसा आंसर नहीं चाहिए, पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, कोई ना कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या, या टुकड़े हम लोग किसी के कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा, तो हम लोग इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे यानी फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने के लिए एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस का टू एज इट इज और टू की मल्टीप्लाई यहां पर लिखे हुए वन से करनी है, तो कितना हो जाएगा, टू वन जा टू, और टू के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिन्हें जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए, थ्री आ जाए। तो कौन कौन से फैक्टर बनेंगे, एक तो बनेगा टू एक्स माइनस एक्स, ठीक है, तो टू वन जा टू और दोनों को घटा दिया तो कितना मिल गया, थ्री मिल गया, यानी माइनस का टू और माइनस का वन अपोन। ऐसे नीचे वाले में अगर हम लोग देखें, सिक्स के ऐसे टुकड़े करें कि जिसे जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए, वन आ जाए, तो सिक्स किसके टेबल में आ रहा है, थ्री के और टू के टेबल में आ रहा है, तो कितने टाइम्स आ रहा है, थ्री इंटू टू आ रहा है। तो अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो पाँच आ रहा है, दोनों को घटा रहे हैं तो एक आ रहा है, तो हमें एक ही चाहिए, तो नहीं घटाने पर हमें काम करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस का सिक्स एज इट इज़ लिखेंगे, और यहाँ पर वन चाहिए तो वन को लिए हम लोग क्या करेंगे, थ्री एक्स माइनस टू एक्स कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको लिख दिया। अब लिमिट एक्स टेंस टू टू और यहाँ से कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, क्या बच गया, एक्स माइनस के टू, इन दोनों में से वन कॉमन आ रहा है, क्या बच गया, एक्स माइनस के टू, नीचे क्या रह गया आपका, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस का थ्री रह गया, यहाँ से टू कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस का थ्री रह गया। ठीक है बच्चों, तो जहाँ पर लिमिट एक्स से एक्स टेंड्स टू 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 होगी, उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि एक्स माइनस के टू दोनों में कॉमन है और एक्स माइनस वन ऐसा का ऐसा, यहाँ से एक्स प्लस के थ्री दोनों में कॉमन है और क्या बच गया, एक्स माइनस का टू बच गया। ठीक है बच्चों, जहाँ पर ये इससे कट गया, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे, पुट लिमिट एक्स बराबर टू, तो इसमें लिमिट रख देंगे एक्स की जगह पे टू, तो टू माइनस वन, एक्स की जगह पे टू तो टू प्लस थ्री, तो यानी टू में से वन गया तो वन, और थ्री और टू कितना आ गया,
5 आ गया। तो आई हो बच्चों आपको ये वाला न्यूमेरिकल यहाँ पर समझ में आ गया हो। तो चलिए हम लोग तीसरा न्यूमेरिकल देखते हैं जो कुछ अलग हटके है, जो कई बार आ चुका है आपके पेपर में। तो बच्चों तीसरा प्रकार का क्वेश्चन ये आपके पास है इस तरीके का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार इस तरीके से रिपीट हुआ है। तो वो क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी में 3 ऐसी संख्याएं बताइए जिनका योगफल 21 है और तथा इनका अंतिम 2 संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है, 63। तो इसके लिए आप लोग कैसे करेंगे, तो आप लिखेंगे माना पहली संख्या, आपके पास पहली संख्या कितनी होगी, a माइनस डी होगी। फिर आप लिखेंगे माना दूसरी संख्या, वो कौन सी होगी, a होगी। फिर आप लिखेंगे माना तीसरी संख्या, आपके पास जो तीसरी संख्या होगी वो कितनी होगी, a प्लस डी होगी। तो बच्चों हमने इस तरीके से मानना पड़ता है। तो जब भी हमें समांतर श्रेणी पे ऐसे 3 क्वेश्चन ऐसे दिए जाएगा कि भैया आपके पास 3 क्वेश्चन 3 संख्याएं हैं और इनका योगफल इस तरीके से है, तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से मानना पड़ेगा कि जो पहली संख्या होगी एक a माइनस डी होगी, दूसरी संख्या a होगी, तीसरी संख्या a प्लस डी होगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको मानना है। अब वो क्या कह रहा है, तीनों संख्याओं का योगफल 21 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं को जोड़ देंगे जो हमने अपने पास से मानी है और उनको किसके बराबर रख देंगे, 21 के बराबर रख देंगे। तो बच्चों डी से डी कट जाएगा और ए प्लस कितना बच गया, 3a बच गया, जिसका मान किसके बराबर है, 21 के बराबर है। ये 3 इस 7 21 को काट देगा, कितनी टाइम्स, 7 बार काट देगा। तो a का तो मान हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब बच्चों वो क्या कह रहा है, तथा अंतिम 2 संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है, 63। तो अंतिम 2 संख्याएं कौन सी है, एक तो ये है और एक ये है। तो अंतिम संख्याओं का, अंतिम संख्याओं का गुणनफल कितना है हमारे पास, 63 है। ठीक है बच्चों, तो अंतिम संख्या कौन कौन सी, एक तो a है और एक a प्लस डी है जो कितना है, 63 है। तो जहां पर a का मान कितना है, 7 है, तो मैं 7 यहां पे रख देता हूं। तो 7 a की जगह हमने क्या रख दिया, 7 रख दिया, जो 63 है। 7 से कट गया, कितने टाइम्स कट जाएगा आपके पास, 9 बार। ठीक है बच्चों, तो क्या बच गया, 7 प्लस डी बराबर 9। अब ये प्लस में ही चल जाएगा, तो माइनस में, तो 9 में से 7 गया तो 2 बच गया। तो ये आ गया आपके पास अंतर, आ गया डी, कितना, 2। अब वो पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी ज्ञात करो, कि समांतर श्रेणी क्या होगी। तो समांतर श्रेणी में आपके पास पहली संख्या क्या होगी, ए का मान कितना आया, 7, माइनस डी का मान कितना आया, 2, तो कितना आ गया, 5। दूसरा ए का मान 7, तीसरा ए का मान कितना आया, 7, और डी का मान कितना आया, 2, तो कितना आंसर आ गया, 9। तो समांतर श्रेणी हम लोगों के पास जो बनी है वो क्या बनी है, समांतर श्रेणी आपके पास क्या बनी है, 5, 7, 9 बनी है। ठीक है बच्चों, आपके पास जो समांतर श्रेणी बनी है वो कितनी बनी है, 5, 7, 9। और यही इसका क्या था, एक आंसर था, जो कई बार आपके पास पेपर में इस तरीके से पूछा गया है। तो आई हो बच्चों आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए और आप इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो हम लोग एक न्यूमेरिकल और देख रहे हैं जो अलग हटके है, किस तरीके से आपके पास न्यूमेरिकल आ रहा है वो भी हम लोग अभी कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपके पास चौथे प्रकार का जो क्वेश्चन है वो इस तरीके का है। वो कह रहा है यदि संख्याएं k+1, k+3 गुणोत्तर श्रेणी में है तो k का मान ज्ञात करो और उन संख्याओं को भी ज्ञात करो जो इस पर आधारित हो। तो बच्चों क्या कह रहा है, आपके पास ये तीनों संख्याएं कैसी हैं, गुणोत्तर श्रेणी में हैं। तो बच्चों इसके लिए आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, जब भी गुणोत्तर श्रेणी में क्वेश्चन होगा इस तरीके का तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, g² = ab। ठीक है बच्चों, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, g² = ab, या इसको आप लिख सकते हैं b² = ac। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो गुणोत्तर श्रेणी के लिए आप लोग एक फॉर्मूला याद रखेंगे, या तो g² = ab, या आप लोग एक फॉर्मूला याद रखोगे b² = ac। तो यहां पर ये वाला आपके पास एक तो k है और एक k+1 है और एक k+3 है, जहाँ पर ये a है, ये b है और ये c है। तो जहाँ पर मैं इस फॉर्मूले का यूज़ कर रहा हूँ b² = ac, तो b का वैल्यू कितना है, k+1 और उसका स्क्वायर, a का वैल्यू कितना है, k, c का वैल्यू कितना है, k+3,
ठीक है बच्चों। तो ये इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया। अब मैं इसको क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा। तो a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो k स्क्वायर, इसकी इसमें करूँगा तो बच्चों 3k, जहाँ पर k स्क्वायर से k स्क्वायर कट गया और क्या बच गया अपने पास, 1 प्लस 2k बराबर 3k। ये प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और यहाँ पर बच गया बच्चों 1, जहाँ पर 3 में से 2 गया तो 1 बच गया और k का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया। अब वो कह रहा है कि संख्याएँ ज्ञात करनी है तो हम लोगों को क्या करनी पड़ेगी, संख्याओं का मान निकालना पड़ेगा। तो संख्या क्या थी हमारे पास, k, k प्लस 1 थी और k प्लस 3 थी। तो जहाँ पर k का वैल्यू 1 आया है, फिर k का वैल्यू 1 प्लस 1, k का वैल्यू 1 प्लस 3, तो जहाँ पर 1 और ये 2 और ये 4, तो इस तरीके से ये आपके पास क्या बन गया, गुणोत्तर श्रेणी का आंसर बन गया। और यही क्या बन गई आप लोगों के पास, एक गुणोत्तर श्रेणी होगी। तो आई होप बच्चों ये वाले आपको चारों न्यूमेरिकल समझ में आए हो। आने वाली वीडियो में हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल्स आपके लिए लेके आएंगे, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इन न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छी तरीके से अपने फिंगर्स पे याद कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में और बेस्ट ऑफ लक बच्चों।